गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सभी। मैं आपके हिंदी टीचर दीप्ति। तो आज हम हिंदी क्लास में बुक पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी अपने हिंदी बुक निकालो। ये बुक परिवेश बुक, और आज हम पढ़ेंगे लेसन वन। ठीक है, आज हम लेसन वन पढ़ने वाले हैं। लेसन वन का नाम है बिना मात्रा वाले शब्द। क्या है? बिना मात्रा वाले शब्द, दो वर्णों वाले शब्द। ठीक है, पहले मैं ये लेसन रीड करने वाली हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करना है, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पढ़ने के लिए शुरू करूँगी। इन शब्दों को पढ़िए, इन शब्दों को पढ़ो, पढ़िए। स्वर जोर व्यंजन, स्वर जोर व्यंजन। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द। स्वर का मतलब क्या? अ से अंग तक, है कि नहीं। और व्यंजन किसे कहते हैं? क ख ग, जैसे कि हमने कल व्यंजन किया था, उसी तरह से ये क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के क्या बनता है? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। अ जोर ब, अब, अब। छोटी ई जोर स, छोटी ई जोर स, इस। उ जोर र, उर। री जोर न, रिन। ऐ जोर श, एश। ओ जोर र, और। ठीक है, अ जोर ब, अब। छोटी ई जोर स, इस। छोटा उ जोर र, उर। री जोर न, रिन। ऐ जोर श, एश। ओ जोर र, और। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्वर जोर व्यंजन, क्या बनता है स्वर जोर व्यंजन? शब्द। आ जोर म, आम। इह जोर ख, इख। बरी उ जोर न, ऊन। ए जोर क, एक। ओ जोर स, ओस। ठीक है, आपको भी इसी तरह से रीड करना है, जोर जोर से। आ जोर म, आम। इह जोर ख, इक। बरा उ जोर न, उन। ए जोर क, एक। ओ जोर स, ओस। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी ये तो था हमारा स्वर जोर व्यंजन। अभी हम क्या करेंगे? व्यंजन जोर व्यंजन, दोनों व्यंजन व्यंजन को मिला के भी शब्द ही बनते हैं। जिस तरह से स्वर और व्यंजन मिलके, स्वर और व्यंजन मिलके शब्द बनते हैं, उसी तरह से व्यंजन और व्यंजन भी दोनों मिलके शब्द ही बनते हैं। ठीक है, क जोर ल, कल। ग जोर म, गम। च जोर ख, चक। ज जोर ग, जग। त जोर ल, तल। द जोर डर। क जोर ल, कल। ग जोर म, गम। च जोर ख, चक। ज जोर ग, जग। त जोर ल, तल। द जोर डर। व्यंजन जोर व्यंजन शब्द, ये भी क्या है? व्यंजन। व्यंजन जोर व्यंजन दोनों मिलके क्या बनते हैं? शब्द। ख जोर त, खत। ख जोर र, घर। छ जोर त, छत। छ जोर त, छत। थ जोर क, थक। थ जोर ल, थल। ख जोर त, खत। ख जोर र, घर। छ जोर त, छत। छ जोर त, छत। थ जोर क, थक। थ जोर ल, थल। अभी हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। जिस तरह से मैंने ये पेज पढ़ा, उसी तरह से आपको भी घर में रीड करना है। यही आपका होमवर्क होगा, इसी तरह से आपको अच्छी तरह से रीड करना है। त जो न, तन। द जो ल, दल। थ जो न, थन। ध जो न, धन। न जो ल, नल। प जोर क, पक। ब जोर ल, बल। फ जोर ल, फल। भ जोर य, भय। म जोर न, मन। त जोर न, तन। द जोर ल, दल।
था जो ना थन, था जो ना धन, ना जो ला नल, प जोर का पख, ब जो ला बल, फ जो ला फल, भ जोर या भय, म जो ना मन, य जोर गया यज्ञ, ल जोर ता लत, श जोर का शक, स जोर बा सब, य जोर गया यज्ञ, ल जोर ता लत, श जोर का शक, स जोर बा सब, र जोर था रथ, व जोर का वक, छ जोर ता छत, छ ह जोर ला हल। ठीक है, जिस तरह से मैंने यह पेज पर यह पेज रीड किया, ये पेज रीड किया, उसी तरह से आपके आपको घर में जो जो से रीड करना है, पढ़ना है। तो अब हम यहाँ में एक प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न भी हम करेंगे। गुब्बारों में से सही वर्ण चुनकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। ठीक है, यहाँ में गुब्बारे गुब्बारे वालों ने क्या लिया है, गुब्बारे लिया है, गुब्बारे मतलब बलून, और यहाँ में कुछ चित्र है। ठीक है, तो इस इन गुब्बारों में, इन बलूनों में कुछ वन है, तो हम इन वनों को चित्र को देखकर, और कौन सा वन को हमको यहाँ में बिठाना है, उसको हम इसमें से वन ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। तो ये किसका चित्र है, ये है बस, बस। यहाँ में सौ कौन सा है, सौ, तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे, ब स बस। यहाँ में हमको क्या लिखना है, सौ लिखना है, क्या लिखना है, सौ। ब स बस। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्या है हमारा, ब स बस के बाद हमें क्या आएगा, डैश ल, ये किसका चित्र है, नल। तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे, ये नौ को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, न ल, नल। क्या हुआ, न ल, नल। फिर ये किसका चित्र है, ये हमारा चित्र है फल का, किसका, फल, फ ल, इस ल को हम यहाँ लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, फल, फ ल, फल। इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इन लाइनों को जोड़ देना, बस, नल, फल। तो ये हमारे क्या है, ये क्या है, ऊना ऊन। तो इसमें हमको क्या बिठाना है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को बिठाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊना ऊन। ठीक है, ये क्या है, ज्ञ। अभी हमारे क्या, हमें ये किसका चित्र है, क्या कर रहा है ये, ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, यज्ञ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यज्ञ। तो हमको यहाँ में से क्या लाना, क्या लेना है, य, तो हम य को यहाँ बिठाएंगे, ये हो जाएगा हमारा यज्ञ, क्या हो जाएगा, यज्ञ। ठीक है, लास्ट ये हमारे किसका चित्र है, ये क्या है, रथ, इसे क्या कहते हैं, रथ, रौ दिया हुआ है, तो हमको इसमें से क्या लाना है, थौ लाना है, क्या लाना है, थौ लाना है, थौ को हम इधर लाएंगे, तो हो जाएगा हमारा रथ, क्या हो जाएगा, रथ। समझ में आया, हमने यहाँ में क्या लिखा है, पहले लिखा बस, बस, नल, फल, फल, ऊ ना ऊन, यज्ञ, रथ। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये लिखा, आप सभी को भी यह लिखना है, ये आपका होमवर्क रहा, आप ये करोगे अपने बुक में, ये करने के बाद इस पेज का फोटो क्लिक करके, इस पेज का फोटो क्लिक करके मेरे नंबर में सेंड करना है। ठीक है, यही आज आपका होमवर्क है, आपका दो होमवर्क रहा, एक तो आपको अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स के हेल्प लेकर इस लेसन को रीड करना है, रीड करने के बाद ये प्रश्न को करना है, ये प्रश्न होने के बाद आप इस पेज का फोटो क्लिक करोगे और मेरे नंबर में सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।